कल हम लोग इमेजिनरी क्वांटिटी के बारे में बात किए थे, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर इफ एक्स एंड वाई बी एनी टू रियल नंबर, इफ एक्स एंड वाई बी एनी टू रियल नंबर देन कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड और जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। एक्स इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड और वाई इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस, इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और माइनस आई वाई देन मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ conjugate of z is equal to is written as this, if z is equal to x plus iy then their conjugate of z is equal to x minus iy. Now now z into conjugate of z is equal to z x plus iy conjugate of z x minus iy is equal to x square minus I square y square, since I x square plus y square means I square is equal to minus 1, so is modulus of z ka whole square. Therefore we get z into conjugate of z is equal to modulus of z whole square. Next, if z is equal to x plus iy and conjugate of z is equal to x minus iy, then x plus z conjugate of z is equal to x minus iy conjugate, so is equal to x plus iy, so is equal to z. So iska matlab डबल कंजुगेट करने से ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। एक्स प्लस आई नाउ जेड प्लस कंजुगेट ऑफ जेड एक्स प्लस आई वाई और प्लस एक्स माइनस आई वाई, सो इज इक्वल टू टू एक्स टू इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड और रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस कंजुगेट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय टू। सिमिलरली इमेजिनरी part of z is equal to z minus conjugate of z divided by 2.
होला।